हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं वंदना साबू किचन में। आज हम लोग जीरा राइस और राजमा बनाने वाले हैं और मैंने कोशिश की है कि जो राजमा की प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक वगैरह की वो ना हो, तो हम बॉइलिंग में इसको दूर करेंगे। कैसे हो सकता है देखिए। चलिए, कुकर में हमने ये राजमा जो मैंने रात के भिगोए हुए हैं, ये चित्रा राजमा हैं, पानी डालकर और थोड़ा सा घी अच्छा फ्लेवर देता है। मोटी मोटी काटी हुई हमने दो मिर्चें ले ली हैं, जिंजर भी मोटा ले लिया है क्योंकि हम इसको निकाल सकें। गरम मसाला, गार्लिक, जो लोग नहीं खाते वो छोड़ सकते हैं। नमक डालकर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको 15 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। ये देखिए, मेरे राजमा बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। ये बड़े बड़े पीसेस आप चाहें तो निकाल लें और ये आप इसको एकदम बिल्कुल गल किया है अच्छे से, इस तरह गल जाए। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें जीरा और घी लेकर इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। चॉप्ड ग्रीन चिलीज सब भून लेंगे और ये चॉप्ड प्याज, गार्लिक, जो लोग नहीं खाते हैं वो छोड़ सकते हैं प्याज और गार्लिक को, अच्छे से भूनेंगे और इसमें पिंच ऑफ नमक डाल लेंगे जिससे जल्दी कुक हो जाएगा। जिंजर चॉप्ड हैं इसको अच्छे से। ये टमाटो पेस्ट मैं यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो चॉप्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से पका लेंगे ढक के, जिससे कि अच्छे से टमाटर ड्राई हो जाएगा। मसाले ऐड करते हैं, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चना मसाला, वो आप डालें। देखिए कैसा लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। और इसको अच्छे से हम पकाएंगे धीमी आंच पर, बहुत तेज आंच नहीं करेंगे, थोड़ा ढक भी लेंगे जिससे जल्दी कुक हो जाएगा। देखिए थोड़ा लगने लगा है तो आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं, मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से पका लें, या तो ऑयल बहुत हो या कम ऑयल के साथ बनाएंगे तो नेचुरली फिर पानी डालना पड़ेगा। एक कुक राजमा मैंने थोड़े से इसको मैशी कर दिया है और यही पानी डालेंगे जो हमने बॉयल में यूज़ किया था। अब बाकी का बचा हुआ नमक, क्योंकि बॉयल में हम डाल चुके हैं, ये सब ग्रेवी हमने बनानी है तो वही पानी यूज़ कर लिया है जो बॉयलिंग में यूज़ किया था। अब मैं इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, देखते हैं 3 मिनट्स में। देखिए आप, ये ग्रेवी आ गई है ऊपर, तो सुंदर कलर आया है। अभी कोरिएंडर लीव्स डालकर, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि पहले डाल लिया है तो मैं इसमें अब नहीं डाल रही हूँ। जो लोग स्ट्रॉन्ग खाना पसंद करते तो यूज़ कर सकते हैं। बस तैयार है, आप गर्मा गर्म इसको सर्व करें चावल के साथ। पहले चावल बना लेते हैं। 1.5 कटोरी बासमती राइस को हम अच्छी तरह से पानी के साथ, अच्छा पानी, जब तक कि पानी साफ ना आ जाए। देखिए इसमें भी कितना मिल्की है, साफ हो गया। इस तरह से आप एकदम साफ करके धो लें और सोक कर लें। कढ़ाई में हमने पानी गर्म किया है चावल को बनाने के लिए, आप चाहें तो भगोना भी ले सकते हैं। नमक और घी डालकर थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा चावल में। मैंने इसमें कुकर सॉफ्ट राइस डाले हैं, वो बन गए हैं। ये देखिए, मैंने पैन में घी जीरा डालकर राइस डाले, कुक्ड राइस जो हमारे हमने प्लेन राइस बनाए थे, कोरिएंडर लीव्स डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हल्के हाथ से मिलाएं जिससे राइस हमारे टूटे नहीं। सुंदर लग रहा है, ये तैयार है राजमा के साथ खाने के लिए। आप मुझे ज़रूर बताएं, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और हम इसको प्याज और टमाटर के साथ, नींबू के साथ सर्व कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।